एक तरफ पूरे देश में बुधवार को महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई और महावीर जयंती पर प्रदेश में राज्य सरकार ने ड्राई डे घोषित कर रखा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। भले ही सरकार ने ड्राई डे के आदेश दिए हों, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस की मिलीभगत से शराब माफिया नियमों का जमकर उल्लंघन करते हुए ड्राई डे पर खुलेआम शराब की बिक्री भी कर रहे हैं। एवन टीवी ने समाज हित में जब फील्ड में जाकर के रिपोर्ट जानी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शराब माफियाओं ने खुलेआम कहा कि ड्राई डे है तो क्या, हमें भी आबकारी विभाग और पुलिस तक पैसा खींचना पड़ता है। एक बार फिर हम आपको लाइन सुन लेंगे कि हमें आबकारी विभाग और पुलिस तक पैसा भेजना पड़ता है। एवन टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में शराब माफियाओं का यह पूरा काला कारनामा कैद हुआ। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये चोमू में सामोद इलाके के उदयपुरिया गांव की है, जहां भले ही आबकारी विभाग ने शराब की दुकान पर आवंटन नहीं कर रखा हो, लेकिन यहां अवैध रूप से शराब की दुकान है वो बनी हुई है और बिना लाइसेंस विभागीय लाइसेंस के इस दुकान में खुलेआम शराब बेची जा रही है। स्थानीय निवासियों ने इसे अवैध बताते हुए कई बार विभाग और पुलिस को इसकी शिकायत भी दी, लेकिन मिलीभगत के आगे शिकायत का क्या काम। जब चैनल संवाददाता ने यहां पर हकीकत जानी और आबकारी विभाग को सूचना दी तो विभाग ने जल्द कार्रवाई की बात कहते हुए मौके के लिए टीम भेजने की बात कही, लेकिन कई घंटों बाद भी दिन भर यहां पर धड़ल्ले से शराब बेची गई। आखिरकार अब जिला आबकारी अधिकारी निरंजन शर्मा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेंगे ये तो भविष्य में गर्त में छुपा है, लेकिन मीडिया के दखल के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से विभाग और पुलिस की मिलीभगत के सवाल जरूर सामने आते हैं।